कल रास्ते से गुजर रहा था, एक बच्चा बैठा हुआ देखा मैंने वहाँ पर। उसका फेस देखकर मुझे पता चला कि वो शायद टेंशन में था, एग्ज़ाम देकर आया होगा। उसके पास गया, उसको मैंने आइसक्रीम के लिए ऑफ़र किया, लेकिन अननोन था तो सीधी बात है कि बच्चा ट्रस्ट नहीं करेगा अपन के ऊपर। फिर भी उसको थोड़ा सा समझा कर मैं पास के एक आइसक्रीम शॉप पर ले गया, उसको एक लस्सी खिलाई। फिर उसको पूछा कि भाई क्या दिक्कत है, तो उसने बोला कि बस ऐसे ही हूँ। मैंने उसका आई कार्ड देखा, उसके पेरेंट को कॉल किया और उनको बुला लिया। पेरेंट आए, बच्चे को ले गए। लेकिन एक बात समझ में आई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, ये सब एक प्रोसेस है अपने लाइफ की। हम सबको उससे निकलना ही है, आप चाहो या ना चाहो। तो वैसे ही जो ये अपनी एग्ज़ाम होती है वो भी सेम ही होती है। हमें उनको पास या फेल, ये एक अदर बात है। पास होना या फेल होना कोई मतलब मायने नहीं रखता। क्योंकि अगर आप अभी से ही ऐसे सोचने लगे कि मैं परीक्षा में पास होगा नहीं होगा तो क्या होगा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आप सबसे बड़ी पोस्ट गवर्नमेंट की सोचो तो कलेक्टर सर होते हैं अपने। ऐसे बहुत सारे कलेक्टर्स हैं जो शायद 10th या 12th में किसी वजह के कारण या फिर एक्सीडेंटली, है ना, वो पास नहीं हुए हैं, फिर भी वो आज बड़ी सी बड़ी पोस्ट पर है। तो आप अभी से ये सब टेंशन क्यों ले रहे हो? एग्ज़ाम दीजिए, और पेपर अगर अच्छा जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न रहता है तो उसको उस टाइम मत सोचिए, उसको आप उस टाइम मत सोचिए। मेन जो बात है, पेपर देने के बाद कभी भी उसका सॉल्यूशन मत कीजिए। क्योंकि जैसे ही आप सॉल्यूशन करना शुरू करोगे, आपको कुछ गलत बातें आपके सामने आएगी, आप खुद कन्फ्यूज हो जाओगे और आपका नेक्स्ट जो पेपर है वो ठीक नहीं रहेगा। पेपर देकर जब भी आते हो, किसी भी फ्रेंड के साथ ज़्यादा डिस्कस मत करो कैसे पेपर गया, कैसा गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और जो नेक्स्ट पेपर है उसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, रीडिंग अच्छे से करो, रिवीजन अच्छे से करो, तो नेक्स्ट जो पेपर है वो आपका अच्छा जाएगा। पेपर एक अच्छा जा रहा है, एक बुरा जा रहा है, तो वो उसका टेंशन आप मत लो, ये आपकी लाइफ है बेटा। अगर आपकी एक छोटी सी गलती आपकी पूरी लाइफ यहाँ पर रोक देगी, है ना, तो उससे अच्छा है एग्ज़ाम को एंजॉय करना सीखो। ठीक है, पेपर अच्छा गया है बहुत ही अच्छी बात है, अगर बुरा गया है, कुछ गलतियाँ रह गई है, तो नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन इतनी अच्छे से करो ताकि वो जो गलतियाँ हुई है, वो जो मार्क्स आपके माइनस होने वाले, वो इसमें ऐड हो जाए और आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो जाएगा। ना ही 10th आपका फ्यूचर क्रिएट करने वाली है, ना ही 12th आपका फ्यूचर क्रिएट करने वाली है। ये सब जो है वो एक स्टेप है जिससे आपको कंपलसरी गुजरना होता है। आपके आगे जो सिस्टम होगा, जैसे कि अभी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो है, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसका सिस्टम कुछ अलग है। आप जब जॉब के लिए अप्लाई करने वाले होंगे तब शायद सिस्टम कुछ और होगा। ये सिस्टम जैसे कि पहले जो अपनी NEP थी, NPA, उसमें कुछ 10+2 का रूल था, अभी 5+3+3+4 का हो गया। मतलब हर बार चेंज होता जाता है। अभी डिग्री आई गायब हो रही है, MPhil गायब हो गया। तो ये सब आपके साथ, आपका फ्यूचर में क्या होने वाला है वो आपको पता नहीं है। तो अभी जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो वो मज़े से दे दो, ये सब टेंशन मत रखो।